मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई 20 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इंदौर पुलिस प्रशासन नींद से जाग गया है। सांवेर में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्यवाही करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। हमले के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने देर रात थाने का घेराव कर दिया। लोगों के मुताबिक बुधवार की दरमियानी रात पुलिस डायल 100 टीम को सांवेर के पास बड़ोदिया खान ग्राम में शराब दुकान पर अवैध रूप से शराब बिकने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां विवाद हो गया, जिसके बाद गांव के करीब 50 लोगों ने डायल 100 की टीम को गांव में ही घेर लिया। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वहीं इस भगदड़ की वजह से एक महिला की मौत के बाद थाने में घेराव कर दिया। इस दौरान भगदड़ हो जाने के कारण एक महिला रास्ते में गिर गई, जहां वह भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं इस घटना में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा गया है। घटना में कई पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना के बाद सांवेर पुलिस ने लोगों के खिलाफ हमला बलवा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। सर, एक महिला की डेड हो गई, क्या है पूरा मामला? अवैध शराब की सूचना पर बड़ोदिया खान गांव में सांवेर पुलिस ने घेराबंदी करके एक गाड़ी को पकड़ा था। उस गाड़ी में से कुछ लोग उतर के भागे और उनके पीछे पुलिस ने उनका पीछा किया। उनमें से एक को पकड़ लिया है और गाड़ी में से 11 पेटी शराब की जब्त हुई है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उसी भगदड़ में दूसरी गली में एक कोई महिला का किसी उससे एक मतलब मृत्यु हुई है, और उसको लेकर के गांव वालों का ये आरोप था कि पुलिस की भगदड़ के कारण उसको हार्ट अटैक आया है। तो उसकी जांच की जाए और उसको पर्याप्त सहायता राशि दिलाई जाए। क्या क्या सर मुख्य मांगे रखी है गांव वालों ने? पर्याप्त सहायता राशि उसको उपलब्ध कराई जाए। उसमें नहीं कोई घायल नहीं हुआ। उसमें SDM साहब और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आ गए थे, तो उनकी तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं। तो परिवार का आरोप है कि पुलिस की भगदड़ के कारण महिला की मौत हुई है? नहीं, ऐसा नहीं, ये कहना सच नहीं है। नहीं, पूरे गांव वालों का आरोप है सर ये कि पुलिस की कुछ जांच का विषय है। जांच का विषय नहीं, ये अभी तक तो ऐसा नहीं आया सामने। जांच का विषय है। कितनी उम्र थी महिला की? 28 वर्ष तकरीबन। ममता सोलंकी। वो भी कुछ इलाके नहीं, अभी ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हुआ कुछ। तो सर ऐसे क्या भगदड़ मची जो क्या मिला मुख्य मामले में, क्या पता चला आपको? किस बारे में मृत्यु किस कारण से हुई? अब ये तो पोस्टमार्टम होगा, उसका पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। यहाँ पर जो घटनाक्रम की जानकारी मिली पुलिस अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम और SDM साहब यहाँ पर उपस्थित हुए और लोगों को समझाइश दी गई। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हो रहा है कि जो घटनाक्रम है ये इसको लिंक अवश्य कर दिया है, लेकिन अप्रत्याशित है। इसका घटना से एकदम सीधा संबंध कोई स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये पुलिस के द्वारा जिस वाहन में शराब रखी हुई थी, जहाँ से जो आरोपी थे उससे ये अलग गली में घर उस महिला का स्थित है, तो निश्चित रूप से उसका सीधा संबंध इस घटनाक्रम से नहीं है। और पुलिस को जब बाद में ज्ञात हुआ तो पुलिस स्वयं वहाँ पर गई उस गांव में दोबारा भी, तो ये प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम का सीधा लिंक नहीं है, लेकिन घटनाक्रम एक साथ लगभग एक ही समय पर हुआ है, इसलिए उसका लिंक प्रथम दृष्टया नहीं होने के बावजूद भी बताया गया। यहाँ पर हम लोग आए और हमारे एडिशनल SP ने और हमने भीड़ को समझाइश दी और सभी इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, समझाइश देने पर लोग यहाँ से चले गए हैं। सर, परिजनों के अलावा गांव वालों का भी जो आरोप है कि पुलिस के भगदड़ के कारण ही महिला की मौत हुई, इसकी क्या? इसमें देखिए, जब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तब घटना उसमें उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा। सहायता के लिए बोला गया तो किस प्रकार की सहायता शासन प्रशासन कर रहा है? निश्चित रूप से इसमें ये मांग आई थी कि जो महिला है उसके छोटे बच्चे हैं और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसमें कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई है और रेड क्रॉस से भी देंगे और अन्य किसी योजना में भी यदि कवर होगी तो उसको सहायता दी जाएगी। सर, तीन मुख्य मांगे रखी थी उन्होंने। सर क्या क्या रखी थी? सर
इसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस घटना की जांच की जानी चाहिए, दूसरा ये था कि उनकी सहायता दी जानी चाहिए, और भविष्य में कुछ सड़क दुर्घटना से संबंधित विषय बताया कि सड़क दुर्घटना नहीं हो सके इसके भी उपाय किए जाने चाहिए। अवैध शराब बेच रहे थे और दूसरे भी कुछ अवैध कार्रवाई चल रहे बेचने की, उनके लिए क्या इस तरीके से आगे नहीं कार्रवाइयाँ तो निश्चित रूप से चलती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम होने से कोई अपराधी ने हमारे पुलिस के और प्रशासन के जाल से बचेंगे, ऐसा नहीं होगा। जांच निरंतर जारी रहेगी। जो इसमें जो शराब कारोबारी जो जिसके यहाँ दारू पकड़ा गया, कब से शराब का कार्य करता था, इसके पहले कोई अपराध उसके नाम से नहीं? कब से तो देखिए, जब तक कि ज्ञात नहीं होता है, शिकायत नहीं मिलती, सूचना नहीं मिलती है, तो ये भूतकाल के बारे में भविष्यकाल के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जैसे शिकायतें मिलती हैं, जाँच होती है और पुलिस कार्रवाई करती है। एक महिला की डेट हो गई, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि पुलिस वाले जो थे वो 100 नंबर डायल वाले दारू वाले को पकड़ रहे थे। हाँ। और वहाँ से ऐसी भागदड़ मची, पुलिस गाड़ी रोकी उन्होंने पुलिस दारू वाले की, और वहाँ से ये भागे। पुलिस वाले उनके पीछा कर रहे थे। हाँ। गाड़ी रोकी उन्होंने, गाड़ी दारू वाले ने उनके पीछा करा पुलिस वाले ने। जहाँ मेरी भाने जो खड़ी थी वहाँ पुलिस वाला टल्ला लगा और मेरी भानेज गिर गई। हाँ। और मृत हो गई वहीं पे। तो उस टाइम पे जब पुलिस की भगदड़ मच रही थी, पुलिस दारू पकड़ना ही कितनी पेटी दारू है उसमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कितनी पकड़ रही थी। ये जानकारी जरूर थी कि पुलिस वाले दारू वालों को पकड़ पीछा कर रहे थे। जो जिसको पकड़ रहे थे वो आसपास कोई रहने वाले आपके परिचित थे? कोई परिचित नहीं थे। कौन थे क्या मालूम थे, भाग गए, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। गिरे क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? वो गिरे मेरी भानेज थी, ममता नाम है उन बालिका का। उसके 2 बच्चे हैं, 1 6 महीने का है, 1 3 4 साल का बालक है, और वो काबगा देपालपुर के पास गांव के रहने वाली है। और यहाँ उसके बड़े पापा की जो संक्रांति जो त्यौहार रहता है वो इसलिए यहाँ आई थी माई के अपने। तो इसमें सरासर गलती आप किसकी? बिल्कुल पुलिस वाले गलती है, उनका धक्का लगा और गिर गई। आप क्या चाहते हो, क्या होना? हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी पुलिस वाले हैं वो उनके बिल्कुल कार्रवाई हो, निष्पक्ष जाँच हो, और जो भी बालिका का जो उनके बच्चे के हिसाब जो आर्थिक मदद जो उनको चाहिए वो दे। पुलिस के अलावा एडीएम के द्वारा आपको क्या? हमको ये आश्वासन दिया गया है कि जो उचित कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी उनको सजा दी जाएगी, और आपके जो बालिका वगैरह इनको जो आर्थिक जो हम सब बनेगा जो सरकार के लेवल में उसमें मदद दी जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम संतोष डाबी है, बड़ौदिया खान का निवासी हूँ, मृतका मेरी भानेज थी।